For more videos, subscribe to my channel. नमस्कार, आज हम बनाएंगे मटर कीमा। उसके लिए मैंने ली है कढ़ाई और हम गैस ऑन करेंगे। गैस की फ्लेम अभी लो रखेंगे। इसमें हम डालेंगे पहले ऑयल। कीमा हमने 1 किलो लिया है, उसके हिसाब से हम ऑयल लेंगे 3 स्पून। साथ में इसमें घी डालेंगे 3 स्पून। अब गैस की फ्लेम फुल करके इनको पहले हम गर्म करेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे 2 तेज पत्ता, 4 छोटी इलायची, लौंग 4, और ये दालचीनी के 2 टुकड़े, और ये जीरा 1 स्पून, धनिया 1.5 स्पून। इनको पहले हम रोस्ट करेंगे, ड्राई मसाले को। मसाले रोस्ट हो चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 100 ग्राम। इसमें प्याज भी डलेगा, 1/2 किलो प्याज है जिसको हमने काट के रखा है। गैस की फ्लेम मीडियम रख के प्याज को हम अच्छे से फ्राई करेंगे, ब्राउन कलर जैसे हो जाएगा। बीच बीच में इनको हिलाएंगे भी ऐसे। प्याज फ्राई हो रहे हैं, मगर इसको और 2-3 मिनट हम फ्राई करेंगे। अगर कोई चाहे तो इसको ढक्कन लगा के भी फ्राई कर सकते हैं, उससे ये जल्दी फ्राई हो जाएंगे। इसमें अब हम दूसरे मसाले डालेंगे। पहले डालेंगे लाल कश्मीरी मिर्च, वो 1 स्पून, या जितना तीखा खाते हैं उतना डाल सकते हैं हम। और डालेंगे हल्दी 1/2 स्पून, काला मिर्च 1/2 स्पून, गरम मसाला 1/2 स्पून, पाउडर 1 स्पून। साथ में नमक डालेंगे, वो अपने टेस्ट के हिसाब से डालेगा, और हम डालेंगे 1 स्पून। इनको पहले मिलाएंगे अच्छे से मसालों को। ये मसाले भी फ्राई हो गए, अब हम इसमें गर्म पानी डालेंगे, वो भी 1/2 गिलास, क्योंकि मसाले ना गले। अब हम डालेंगे कोरमा मसाला 1.5 स्पून, इसको भी मिलाएंगे अच्छे से। अब हम कीमे को रोस्ट करेंगे। ये हमने कीमा लिया है 1 किलो, और माइक्रोवेव की ये ट्रे है, इसको पहले ऑयलिंग की है थोड़ी बहुत। अब हम इसमें ये कीमा डालेंगे, इसको अच्छे से फैला के इसको माइक्रोवेव करेंगे। ये जो रोस्ट किया था कीमा, मटन कीमा, ये भी इसमें डलेगा। इसको पहले 2-3 मिनट ऐसे ही हम पकाएंगे। कीमा मसालों में मिक्स हो चुका है, इसमें अब हम डालेंगे दही 200 ग्राम दही डालेंगे इसमें। ये भी इसमें मिक्स करेंगे अच्छे से। दही मिक्स हो चुका है इसमें, अब पानी डालेंगे 1 गिलास गर्म पानी। ये मैंने पानी गर्म करा है, 1 गिलास पानी इसमें डालेंगे। इसको अब हम ढक्कन लगा के 15 मिनट के लिए पकाएंगे, गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। एक बार चेक करके देख लेंगे। हाँ जी, बन गया अच्छे से। ये देखिए, तेल और घी ऊपर को आ गया, और इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी है। गैस को ऑफ कर देंगे अब हम। इसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ, या ऐसे भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बना है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।